फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा ब्लॉग पर। और आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो बस उसी के भोजन की तैयारी में चल रही हूँ और खाना पीना बना रही हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ पूर उतरता है कार्तिक का, तो तुलसा जी का पूर उतरता है हमारे यहाँ, तो बस उसी का बना रही हूँ। और मैंने आटा बना लिया है, क्योंकि ये खाना हमें ही खाना होता है, तो इसे वो नहीं करती मैं। मीठा बना लिया है थोड़ा आटा, और थोड़ा फीका बना लिया है, तो जो फीका खाएंगे फीका खा लेंगे, और मीठा भी बना लिया है, जैसे चाय नाश्ते के साथ हो जाएगा। और बस सब्जी राजमा उबाल लिया है, और उसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ राजमे की, और हलवा बनाना है, तो बस अभी हलवा बनाऊंगी। और क्योंकि कल है ग्रहण, तो इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा जो है वो आज मनाई जा रही है, तो उसका पूजन आज ही होगा। तुलसा जी का जो पूजन होगा वो आज ही होगा, और कल कार्तिक स्नान कल होगा। तो बस अभी सारी उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ, और पूजन की तैयारी कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करेंगे हम आज। तो जी लग गई हूँ मैं अपने काम पे, और मेरा काम शुरू हो गया है। पहले मैंने राजमा बॉईल कर लिया था, तो राजमा मेरा बॉईल हो चुका है, तो अभी उसका तड़का लगा तैयार कर रही हूँ मैं। बस पैन में तेल डाल दिया है, और उसको जीरा वगैरह डालकर तड़का तैयार कर रही हूँ। हल्दी नमक तो डाल दिया था सर पहले, और हल्दी मिर्च सौंफ धनिया वगैरह डाल के इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से, और फिर उसमें कुकर में ही डाल दूँगी, और एक सीटी फिर दोबारा से लगा दूँगी। और इधर मैंने कढ़ाई भी रखी हुई है, तो तेल गर्म हो जाएगा, तो पूरियों का भी आटा तैयार हो चुका है मेरा। मीठी पूरी का भी तैयार है, और मीठी का भी, तो पूरियाँ भी मैं साथ साथ ही तल दूँगी। तो अभी देखिए मेरा तड़का तैयार हो चुका है, और मैंने कुकर में ही डाल दिया है। बस एक सीटी लगा दूँगी, क्योंकि मैंने राजमा को बहुत अच्छी तरीके से बॉयल कर दिया था, कहीं कोई सीटी मतलब एक सीटी से ही काम चल जाएगा। तो बस मैं इसे कर दूँगी, एक सीटी लगा दूँगी, और अभी बस पूरियाँ बनाने की तैयारी करती हूँ। तो पूरियाँ बनाने लगी हूँ, तेल गर्म हो चुका है, और बस अभी मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। पहले मीठी पूरी बनाऊँगी, जिससे कि मुझे थोड़ी देर में खाना खाएंगे हम, तो फिर पूजा भी करनी है अभी, तो उसमें ठंडी हो जाएंगी, तो तब पहले मैं मीठी बना लूँगी, उसके बाद में फीकी बनाऊँगी, तो जिससे पूरी हमारी गर्म ही रहेगी, और फिर खाना खा लेंगे। तो अभी पूजन करना है। आज हमारे यहाँ तुलसा जी का पूर उतरता है, तो तुलसा जी का पूर उतरेगा, तो उसी के लिए खाना बना रही हूँ। बस मैं अभी जो भी खाना होता है, तो पूरा परिवार हमारा, मतलब जो परिवार होता है वही खाएगा, बाहर वाले आदमी नहीं खा सकते इसमें खाना। तो हम जो भी परिवार हैं, हम चारों हैं, तो चारों ही खाएंगे। अगर कोई परिवार का हो तो वो भी खा सकते हैं, लेकिन बाहर के आदमी नहीं खा सकते इसे, तो इसे हम दे ही नहीं सकते किसी को भी। तो बस अब हम चारों खा लेंगे, चाहे हमें सुबह को खाना हो, हम सुबह को भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुबह के नाश्ते के लिए इसलिए मैंने मीठी पूरियाँ बनाई हैं, कि नाश्ते में सुबह मीठी पूरियाँ काम आ जाएंगी। तो बस अभी पूरियाँ बना ली, तो पहले मीठी पूरियाँ बना ली, अब फीकी बना लूँगी बस मैं, तो साथ साथ मेरी पूरियाँ तल जाएंगी, और मेरे हलवा भी बनाना है, हलवा भी साथ साथ ही बन जाएगा बस। तो चलिए जी पूरियाँ बना लेते हैं पहले। बस अभी मैं फीकी पूरियाँ बनाने लगी हूँ, और फीकी पूरी बना के बस हलवा बना लूँगी साथ साथ। तो जी बस मेरी पूरियाँ बस अभी ख़त्म ही होने वाली हैं, और अभी मैं बना लेती हूँ हलवा। और हलवे को मैंने पैन ले लिया है, पैन में सूजी को मैंने छान लिया, वैसे तो अभी पैकेट से ही खोला है मैंने पैकेट ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संतुष्टि के लिए छान लिया है मैंने सूजी को, और उसे अब भून लूँगी, इसमें घी डाल के इसको भून लूँगी मैं। तो घी डाल के इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत सुंदर हलवा, बहुत ही अच्छा हलवा बना था, और कलर भी बहुत ही प्यारा आया था हलवा, टेस्टी टेस्ट भी अच्छा बना था, और वैसे भी कलर भी बहुत प्यारा आया था। तो बस अभी हलवा बना लेती हूँ। पानी को मैंने बॉईल कर लिया था, और बस अभी सूजी को भूनने के बाद में मैंने हलवा उसमें पानी डाल दिया है, और अब यह मेरा हलवा रेडी हो चुका है। तो इसे एक बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और बस इसे खाने को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, और मेरा और बस अभी पूजन की तैयारी करते हैं, चलते हैं तुलसा जी के पास, और वहाँ पर पूजन करेंगे। तो चलिए वहीं चलते हैं।
तो अब सब आ गए हम तुलसा जी के पास में, वहीं पर पूजन करेंगे। तो सब बैठ गए हैं चारों और सबके तिलक कर दिया है, तुलसा जी को भी तिलक कर दिया है और सतिया बना दिया है। अभी पूजन करेंगे, सारे बैठ के आरती करेंगे और तुलसा माता की, गणेश जी भगवान की, विष्णु भगवान की सबकी आरती करेंगे, पूजन करेंगे। तो चलिए पूजन करते हैं, उसके बाद में फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि पूरा दिन से फास्ट भी है मेरा, तो बस फास्ट भी रखा हुआ था, इसमें फास्ट भी रखते हैं हमारे यहाँ पर, तो सबके अपने रिचुअल होते हैं। ओम गजाननं भूतनाथस्य चिन्नकीचारु लक्ष्मणं पादपं नमामि पादपं भजं मे। जय गणेश देवा माता शक्ति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता शक्ति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन का भोग लगे चंद कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। संपति घर आवे, सुख संपति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण गढ़ु मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आशी करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे महारानी, नमो हरि की पट रानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पट रानी, नमो नमो धन तुलसी पूरन तेनो दानी, शालिग्राम परे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पट रानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पट रानी, नमो नमो। जय तो जी भी हमारी पूजा हो गई है संपन्न। बस अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं तुलसा जी की, और ये बस पूजन का लास्ट वो है, और बस इसके बाद में हम करेंगे खाना पूजन, और जो भी वो है करना है सारा काम करके फिर बस खाना खा लेंगे और व्रत मेरा हो जाएगा पूरा। और बस यही आज हमारा कार्तिक पूर्णिमा का लिए पूरा दिन रहा। अब उठी पूरी परिक्रमा करने के बाद कहाँ लेके जा रहा है मुझे बता। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, आ जाओ मेरे। देखिए आज कार्तिक पूर्णिमा है, पूरा मुंह नहीं आ रहा। देखिए आज कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक जाएगी
कार्तिक पूर्णिमा पर हम लोग तुलसी महारानी की पूजा करते हैं और आज विधिवत अभी प्रसाद बना के कार्तिक में मास की पूर्णिमा वाले दिन तुलसी जी की पूजा की गई है। और ये देखिए हमारी हमने से पत्नी पूजा की है, ये हमारी पत्नी है और ईश्वर का आशीर्वाद लिया। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं, धन्यवाद।